Hello my dear students, this is second video of chapter number 4, class 6, subject computer and topic of the chapter exploring Windows and more. Dear students, in first video we had learned about first two topics about an operating system and using the start menu. Dear students, in this video we will learn about the rest of three topics. First, managing the Windows desktop, means what is desktop and how to manage the Windows desktop. Second, taking care of the computer, means how will you take care of your computer. And the last topic, using an antivirus, means what is an antivirus and what are their uses and what is the benefit of antivirus. My dear students, let us continue with our next topic, and the next topic is managing the Windows desktop. मीन्स विंडोज डेस्कटॉप को कैसे मैनेज किया जाता है. इसमें फर्स्ट फीचर है एरो पीक अलाउज यू टू सी व्हाट इज प्लेस्ड ऑन द डेस्कटॉप बिहाइंड ऑल द विंडोज. मीन्स यह फीचर क्या अलाउ करता है कि हमारे जितने विंडोज हमने ओपन कर रखिए, उन विंडोज के पीछे आपका डेस्कटॉप कैसे दिखाई देगा, उस चीज के लिए एरोपिक फीचर का यूज किया जाता है. सपोज करो एक समय में हमने कई सारे विंडोज को हमने ओपन कर रखा है. जैसे यहां पे आपका एक एमएस वर्ड हो गया, ऐसे आपका यहां पे ये नोटपैड हो गई. तो अब हमें ये देखना है कि इन विंडोज के पीछे हमारा डेस्कटॉप कैसे दिखेगा. तो हम क्या करेंगे, इसके टास्क बार पे जाके इसके राइट हैंड साइड पे, यहां पे एक आपका शो डेस्कटॉप बटन होता है, यहां पे इस पे क्लिक करेंगे. तो जैसे ही हमने यहां पे क्लिक किया, आप देखेंगे कि जितने भी विंडोज अभी हमें दिखाई दे रही थी हमारे डेस्कटॉप के आगे, वो सब क्या हाइड हो गई है और हमें यहां पे क्या डेस्कटॉप हमें यहां पे दिखाई दे रहा है. तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हमारे डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको हम देख सकते हैं या उनको हम मैनेज कर सकते हैं. तो यह किस फीचर की मदद से हुआ, एरोपिक फीचर की मदद से. हमें फिर क्या करना है, वापस आना है उसमें. तो क्या करेंगे, सो डेस्कटॉप पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो सारे विंडोज हमारी वापस आ जाएगी. नेक्स्ट फीचर था इसमें आपका एरो सेक. इन एरो सेक यू कैन सेक अ विंडो टू मिनिमाइज ऑल अदर विंडोज एक्सेप्ट द वन दैट यू आर सेकिंग. मीन्स इसमें आप क्या कर सकते हैं, यदि आपने एक से ज्यादा विंडोज अगर आपने ओपन कर रखी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ आप अन्य विंडोज का आप मिनिमाइज कर सकते हैं, सिवाय सिर्फ उस विंडोज के जिसमें आप वर्क कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे दोबारा देखेंगे, ये एमएस वर्ड आपका ओपन है या आपका नोटपैड ओपन है. अब यदि आपने एमएस वर्ड में अगर आपने ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, एमएस वर्ड के टाइटल बार पे क्लिक करेंगे, यहां पे क्लिक करेंगे तो ये नोटपैड की विंडो आपकी मिनिमाइज हो गई है और अब आप क्या कर सकते हैं, एमएस वर्ड की विंडो में आप आराम से वर्क कर सकते हैं. तो ये जो फीचर है ये कौन सा आपका है, एरो सेक. नेक्स्ट फीचर इज एरो स्नैप. यूजिंग द एरो स्नैप फीचर यू कैन मैक्सिमाइज और रिस्टोर द विंडोज विदाउट हैविंग टू यूज द मैक्सिमाइज और रिस्टोर डाउन बटन. मीन्स आप क्या कर सकते हैं, एरो स्नैप फीचर की मदद से
किसी भी ओपन विंडो को बिना उसके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज बटन का यूज करके आप उसको रिस्टोर और आप उसको मैक्सिमाइज यानी उसके साइज को आप उस विंडोज का जो साइज है उसको आप मैक्सिमाइज और रिस्टोर आप उसे कर सकते हैं बिना किसके बिना मिनिमाइज बिना मैक्सिमाइज और रिस्टोर बटन के जो कहां पे होते हैं आपके किसी भी विंडो के राइट हैंड साइड पे टॉप पे आपके होते हैं। यहां पे आप देखेंगे ये यहां पे आपकी एक एमएस वर्ड की एक विंडो आपकी यहां पे ओपन है तो यहां पे क्या इसके आपके ये मिनिमाइज और रिस्टोर बटन है तो हमने क्या करना है बिना इनके यूज किए हमने इस विंडो को मिनिमाइज और रिस्टोर करना है तो क्या करेंगे इसके टाइटल बार पे क्लिक करेंगे ये क्लिक किया तो विंडो आपकी रिस्टोर हो गई आपकी यानी साइज का छोटा हो गया आपका इसका ये ठीक है और फिर क्या करेंगे दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो साइज क्या हो गया इसका आपका ये बड़ा हो गया आपका तो ये क्या कौन सा फीचर आपका ये एरो स्नैप्स फीचर। नेक्स्ट है इसमें आपका टास्क बार प्रीव्यूज। टास्क बार प्रीव्यूज आर थंबनेल इमेजेस ऑन द ओपन विंडोज अटैच टू द टास्क बार आइकन। व्हेन यू पॉइंट टू एन आइकन ऑन द टास्क बार द थंबनेल इमेज ऑफ द ओपन विंडो रिलेटेड टू दैट आइकन अपीयर्स टेम्पररली। मीन्स टास्क बार प्रीव्यू क्या है एक सिंपल सा आपके थंबनेल्स हैं और जो कहां पे अटैच होते हैं आपके टास्क बार पे आपके अटैच्ड होते हैं और इन टास्क बार प्रीव्यू की मदद से आप क्या कर सकते हैं आप अपने किसी विंडो को आप ओपन कर सकते हैं। यहां पे आप देखेंगे ये आपका ये टास्क बार है और ये क्या है इसके आप यहां पे टास्क बार प्रीव्यू तो जैसे हम इन पे क्लिक करेंगे तो किसी भी विंडोज का जो प्रीव्यू है वो आपको दिखाई देगा। यहां पे फर्स्ट आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विंडो है। नेक्स्ट आप देखेंगे यहां पे ये नोटपैड की है यहां पे आपका ये पावर पॉइंट की है तो यदि हमें इनमें से किसी एक भी विंडो को अगर हमें ओपन करना है तो इस पर हम क्लिक करेंगे इसके टास्क बार प्रीव्यू पे जो क्या है ये इसका एक थंबनेल है इस पर क्लिक करेंगे तो ये विंडो आपकी ओपन हो गई किसकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। तो ये फीचर कौन सा आपका ये टास्क बार प्रीव्यूज। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आपका एंडिंग अ विंडोज सेशन। मींस आप अपने विंडोज का जो सेशन है उसको आपको कैसे आप उसे एंड कर सकते हैं उसका जो पहला फीचर है यह है आपका शटडाउन। All the applications will be closed and the computer will be switched off. इस फीचर का यूज कब करते हैं जब हमें अपने कंप्यूटर को शट डाउन करना होता है उसे क्लोज करना होता है तो ये क्या करेगा पहले आपके कंप्यूटर में जितने भी एप्लीकेशंस हैं उन सबको क्लोज करेगा। मीन्स जब भी आप कंप्यूटर को आप शट डाउन करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे जितने प्रोग्राम्स आपने या जितनी एप्लीकेशंस आपने ओपन कर रखिए उन सबको आपने क्लोज करना है और उसके बाद आप क्या करेंगे इस शटडाउन ऑप्शन का आप यूज करेंगे तो ये शटडाउन ऑप्शन क्या करेगा आपके कंप्यूटर को स्विच्ड ऑफ कर देगा यानी इसके बाद आपका कंप्यूटर क्लोज हो जाएगा बंद हो जाएगा। नेक्स्ट और ये फीचर आपको कहां पे दिखाएगा इसके टास्क बार पे सबसे बॉटम पे यहां पे आपका क्या ये शटडाउन फीचर है आपका ये ठीक है। ऐसे इसमें आपका नेक्स्ट फीचर इसमें आपका रिस्टार्ट। ऑल द प्रोग्राम्स गेट क्लोज्ड विंडोज इज शट डाउन एंड देन इट रिस्टार्ट्स। मींस यह फीचर क्या करेगा जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं उनको पहले क्लोज करेगा और फिर क्या करेगा आपके कंप्यूटर को शट डाउन करेगा और शट डाउन करने के बाद दोबारा उसे क्या करेगा रिस्टार्ट करेगा यानी दोबारा कंप्यूटर को अपने आप ये ओपन करेगा। तो ये कौन सा फीचर आपका ये रिस्टार्ट फीचर और ये भी आपको कहां दिखेगा यही शटडाउन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहां पे ये आपका है रिस्टार्ट ऑप्शन। ठीक इसी प्रकार से
इसका जो नेक्स्ट है फीचर है यह आपका लॉक, मींस लीव्स ऑल द एक्टिव प्रोग्राम्स एज दे आर एंड डिस्प्लेज द वेलकम स्क्रीन. यू मस्ट क्लिक ऑन द यूजर आइकन टू एक्सेस द एप्लीकेशंस. यानी क्या करेगा, जितने भी आपकी एक्टिव प्रोग्राम्स हैं उन सबको क्या करेगा, एक्टिव करेगा, उनको छोड़ देगा और क्या करेगा, आपकी एक स्क्रीन पे एक वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई देगी. और दोबारा जैसे हम क्या करेंगे, हम इस पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है दोबारा से वो आपके यूज के लिए स्टार्ट हो जाएगा. अब इसको देखते हैं, यहां पे क्लिक किया शट डाउन पे और यहां एक ऑप्शन आपका लॉक, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे जो एक्टिव प्रोग्राम थे ये क्लोज हो गए हैं. अब हमने क्या करना है, इसके यूजर पे क्लिक करेंगे और दोबारा से हमारा कंप्यूटर ये स्टार्ट हो गया है. तो ये क्या आपका लॉक ऑप्शन. इसी प्रकार से नेक्स्ट फीचर इसका आपका स्लिप. ऑल द एक्टिव प्रोग्राम्स एंड अदर ऑपरेशंस आर सेव्ड इन द मेमोरी एंड द कंप्यूटर इज पुट इन टू लो पावर स्टेट. द कंप्यूटर कैन बी वोकन अप फ्रॉम दिस स्टेट एट एनी टाइम सिंपली विद द क्लिक ऑफ माउस और प्रेसिंग अ की. मीन्स ये क्या करेगा, जितने भी आपके एक्टिव प्रोग्राम्स हैं जिनमें आपने वर्क किया था अभी या जिनको आपने ओपन कर रखा है वो सारे क्या होंगे, इसकी मेमोरी में सेव हो जाएंगे और जो कंप्यूटर है वो कहाँ चले जाएगा, इसके लो पावर स्टेट में चले जाएगा. दोबारा जैसे हमने क्या करना है, इसको हमने वापस जगाना है कंप्यूटर को, तो हम क्या करेंगे, किसी भी कीबोर्ड से हम किसी भी की को प्रेस करेंगे तो वापस कंप्यूटर हमारा वर्क करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा. ऐसे इसमें आपका नेक्स्ट एक फीचर आपका हाइबरनेट. हाइबरनेट पुट्स यूर ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स ऑन यूर हार्ड डिस्क एंड देन टर्न्स ऑफ द कंप्यूटर. यह फीचर क्या करता है कि हमारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स और प्रोग्राम्स ओपन है उन्हें कहाँ रखेगा, हार्ड डिस्क में ले जाएगा और फिर क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर को टर्न ऑफ कर देगा. नेक्स्ट टॉपिक इज टेकिंग केयर ऑफ द कंप्यूटर. मीन्स हम अपने कंप्यूटर की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं. डिस्क क्लीनअप, इसका जो पहला फीचर है यह आपका है डिस्क क्लीनअप. विद रेगुलर वर्किंग ऑन द कंप्यूटर इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर ऑन इट्स हार्ड डिस्क एंड यूजेज ऑफ इंटरनेट मैनी टाइप्स ऑफ अननेसेसरी फाइल्स कीप ऑक्यूपाइंग प्रीशियस डिस्क स्पेस. द डिस्क क्लीनअप टूल हेल्प्स फ्री अप स्पेस ऑन द हार्ड डिस्क बाय सर्चिंग द डिस्क फोर फाइल्स दैट कैन बी सेफली डिलीटेड. मीन्स जब हम कंप्यूटर में रेगुलर वर्क करते हैं या हम किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं या जब हम क्या करते हैं इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हैं तो ये क्या करता है, अपने आप जो है कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में कुछ अननेसेसरी फाइल्स को स्टोर कर देता है और जो क्या करते हैं हमारे कंप्यूटर की जो हार्ड डिस्क होती है उसका जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई करता है. तो इस चीज को क्लीन करने के लिए या उस स्पेस को फ्री अप करने के लिए डिस्क क्लीनअप टूल्स का यूज किया जाता है. अब इसका यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसके टास्क स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद यहां पे सर्च करेंगे, यानी इसके सर्च बॉक्स में क्या टाइप करेंगे, क्लीन डिस्क क्लीनअप को. तो यहां पे आप टॉप पे देखेंगे ये ऑप्शन आपका आ गया है डिस्क क्लीनअप, इस पे आपने क्लिक करना है. जैसे हम इस पे क्लीनअप इस पे हम क्लिक करेंगे यहां पे एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा और यह कौन सा डायलॉग बॉक्स है आपका, डिस्क क्लीनअप ड्राइव सिलेक्शन. यहां से जिस भी ड्राइव के स्पेस को आपने क्लीन करना है उसको यहां से सेलेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम यहां पे सेट करते हैं इसके डी ड्राइव को एंड देन क्लिक ऑन ओके बटन.
ठीक है। तो यहां पे क्या होगा इसका आपका, ये इसका डिस्क इन फोर ड्राइव डी का एक नया डायलॉग बॉक्स बन के आ गया है। तो यहां पे इसमें इस ड्राइव में कुछ भी आपका अननेसेसरी फाइल्स नहीं है जिनको हम फ्री कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा फिर इसको देखेंगे, सर्च बॉक्स में गए, लिखा आपका यहां पे ये डिस्क क्लीन अप, और यहां पे आपका आ गया डिस्क क्लीन अप। इसमें सेट करते हैं ड्राइव सी को, देन क्लिक करेंगे ओके बटन पे, ये फाइल को सर्च करेगा। और सर्च करने के बाद यहां पे कुछ ये अननेसेसरी आपके यहां पे फाइल्स हैं, यहां से इनको हमने क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ये टेम्पररी फाइल्स हैं, इनको हम यहां से सेट कर सकते हैं और क्लिक करेंगे ओके बटन पे। और ओके बटन पे क्लिक करने के बाद यहां पे एक नया एक डायलॉग बॉक्स बन के आएगा आपका डिस्क क्लीन अप, और यहां पे किस ऑप्शन पे क्लिक करना है, डिलीट फाइल्स पे। और ये फाइल्स क्या है, यहां पे डिलीट हो रही है। तो इस प्रकार से ये अननेसेसरी फाइल्स क्या हो गई है, डिलीट हो गई है किसके, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से। ये प्रोसेस अभी इसकी चालू है, और जैसे सारी फाइल्स डिलीट हो जाएगी, ये जो डायलॉग बॉक्स आप देख रहे हैं ये हमारा यहां से हाइड हो जाएगा। तो यहां से हमने क्या किया, इस टूल्स की मदद से हमारे कंप्यूटर के ड्राइव सी में जो भी अननेसेसरी फाइल्स थी उनको हमने यहां से ये रिमूव किया है हार्ड डिस्क से परमानेंटली। नेक्स्ट फीचर इसका डिफ्रैगमेंटिंग द हार्ड डिस्क। समटाइम्स आफ्टर कंटिन्यूअस यूज कंप्यूटर्स अपियर्स टू स्लो डाउन। कभी कभार क्या होता है कि जब हम कंप्यूटर में कंटिन्यूअस वर्क करते हैं तो क्या होते है, कंप्यूटर की जो स्पीड होती है या कंप्यूटर क्या होता है हमारा, ये स्लो हो जाता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ फाइल्स विच टेक्स प्लेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ये सब किसकी वजह से होता है, फाइल्स के फ्रेगमेंटेशन की वजह से। और ये क्या करता है, इसके जो स्पीड होती है, इसका जो स्पीड होती है, इसको ये स्लो कर देता है। दिस नॉर्मली हैपन्स एज यू कीप ऑन एडिंग मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग फाइल्स। और यह सब कब होता है, जब हम अक्सर क्या करते हैं, किसी फाइल्स को एड करते हैं इसमें के अंदर, उसको मॉडिफाई करते हैं या उसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो यह जो प्रोसेस है तो इसे क्या कहते हैं आपका, ये डिफ्रैगमेंटिंग द हार्ड डिस्क। नेक्स्ट टॉपिक है यूजिंग एन एंटी वायरस। कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वायरसेस आर हार्मफुल प्रोग्राम्स डेवलप्ड विद हार्मफुल इंटेंशंस। मीन्स डेस्टिनेंट्स, जो कंप्यूटर वायरस होते हैं ये क्या एक प्रोग्राम्स हैं, और जिनको कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए या कंप्यूटर को नुकसान करने के पर्पज से बनाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं आपका, ये कंप्यूटर वायरस। यानी आप कह सकते हैं ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को खराब करने के मकसद से तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं आपका, ये कंप्यूटर वायरस। हाउ डू अ कंप्यूटर गेट्स वायरस। अब यहां पे क्या है कि हमारे कंप्यूटर में वायरस कैसे प्रवेश करता है या कंप्यूटर में वायरस कैसे आता है। अ क्लीन कंप्यूटर कैन गेट वायरस ओनली फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स। इफ यू कॉपी एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम सम डिस्क और डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द इंटरनेट योर कंप्यूटर विल गेट इन्फेक्टेड। मीन्स हमारे कंप्यूटर में कंप्यूटर वायरस तभी प्रवेश करता है जब हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी इन्फेक्टेड फाइल्स को कॉपी करते हैं
या हम इंटरनेट से हम किसी अननेसेसरी फाइल्स को डाउनलोड करते हैं, या जब हम क्या करते हैं अपने कंप्यूटर में कुछ हम ऐसी डिवाइस का यूज करते हैं किसी दूसरे कंप्यूटर से या दूसरे सोर्स से, लाइक आपके पेन ड्राइव वगैरह हो गई, तो यदि वो इन्फेक्टेड है तो क्या होता है उनसे क्या होता है हमारे कंप्यूटर में वायरस आता है। सपोज करो आपके किसी कंप्यूटर में वायरस था और आपने क्या किया, उस कंप्यूटर में आपने जिस कंप्यूटर में आपका वायरस था उसमें आपने एक पेन ड्राइव का यूज किया और उस पेन ड्राइव को आपने वहां से फिर किस में यूज किया, ऐसे कंप्यूटर में यूज किया जिसमें वायरस नहीं है। तो जैसे ही आप क्या करेंगे उस पेन ड्राइव को उस दूसरे कंप्यूटर में यूज करेंगे तो पहले वाले कंप्यूटर के जो वायरस हैं वो पेन ड्राइव की मदद से क्या करेंगे हमारे दूसरे वाले कंप्यूटर में एंटर कर जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या होता है कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में वायरस हमारा प्रवेश कर जाता है, जो क्या करता है हमारे कंप्यूटर की जो फाइल्स होती है उन सबको ये हानि पहुंचाता है, उनको ये इन्फेक्ट करता है। इसके कुछ वायरस के कुछ आपके ये टाइप्स हैं। पहले से मैं आपका है व्हाट इज अ स्पाईवेयर, ये इसके कुछ टाइप्स हैं वायरस के। स्पाईवेयर इज ए सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड सेक्रेटली ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स विदाउट द नॉलेज ऑफ परमिशन ऑफ द यूजर। इट गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम व्हाइल ही नेविगेट्स द इंटरनेट। मींस स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको चुपके से या जिसको जो है बिना किसी के नॉलेज के, यानी जब आप कंप्यूटर में वर्क करें और आपको पता ही नहीं चलेगा या बिना आपकी परमिशन के ये वायरस क्या होता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। और ये क्या करेगा, इट गेदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिम व्हाइल द नेविगेट्स द इंटरनेट। और ये क्या करेगा आपके कंप्यूटर से बिना आपकी अनुमति के बिना आपकी जानकारी के आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है इनको ये गैदर करेगा, किसकी मदद से, इंटरनेट की मदद से, और फिर ये क्या करेगा आपके कंप्यूटर को ये नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है इसमें आपका व्हाट इज अ वर्म, एक दूसरे टाइप के एक वायरस है जिसका नाम है वर्म। वर्म्स आर मेलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइन टू स्प्रेड वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड स्लो डाउन द कंप्यूटर्स। यानी इस कंप्यूटर को एक हानिकारक आपका एक सॉफ्टवेयर है और जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है कंप्यूटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये क्या करता है कंप्यूटर में स्प्रेड करता है, यानी कंप्यूटर में फैलेगा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, किसकी मदद से, नेटवर्क की मदद से, और ये क्या करेगा हमारे कंप्यूटर की जो स्पीड है उसको ये स्लो डाउन करेगा। तो ये कौन सा वायरस हो गया आपका, ये वर्म कंप्यूटर वायरस। अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज एन एंटी वायरस सॉफ्टवेयर, यानी वह सॉफ्टवेयर जिसे वायरस को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं आपका ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर आइडेंटिफाइज द वायरस इन्फेक्टेड फाइल्स ऑन योर कंप्यूटर एंड क्लीन्स देम अप। मेनी एंटीवायरस प्रोग्राम्स लाइक नॉर्टन एंटीवायरस, मैकफी, पीसी सीलिन, कास्परस्काई आर अवेलेबल इन द मार्केट। यानी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर वह प्रोग्राम है जो क्या करता है हमारे कंप्यूटर में वायरस से इन्फेक्टेड जितने भी फाइल्स हैं उनकी पहचान करेगा और उनको हमारे कंप्यूटर से क्या करेगा क्लीन करेगा, उनको हमारे कंप्यूटर से रिमूव कर देगा। कुछ एंटीवायरस है आपके, जैसे आपका ये नॉर्टन एंटीवायरस है आपका, मैकफी है, पीसी सीलिन है, कास्परस्काई है, ये सारे क्या आपके ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो मार्केट में अवेलेबल है, और इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की मदद से हम क्या कर सकते हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर जितने भी वायरस होंगे इनको ये रिमूव कर सकता है या इनकी ये पहचान कर सकता है। इसी में आपका नेक्स्ट टॉपिक है सर्चिंग फॉर फाइल्स। इट इज नॉट अनकॉमन दैट यू विल फॉरगेट इन विच ड्राइव एंड फोल्डर यू हैव सेव्ड योर फाइल्स, बट यूजिंग द सर्च ऑप्शन इन विंडोज 7 यू कैन सर्च फॉर योर फाइल्स। मींस क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि जब भी हम कंप्यूटर में हम किसी फाइल्स को फोल्डर्स को हम तैयार करते हैं तो यह जरूरी नहीं है कि हमें उनकी लोकेशन
मालूम हो कि वो फाइल्स और फोल्डर्स आपके कंप्यूटर के किस ड्राइव में या आपके कहां पे हैं। तो उन फाइल्स को सर्च करने के लिए, उन फोल्डर्स को सर्च करने के लिए विंडोज 7 में एक आपका एक फीचर है और वो आपका है सर्च ऑप्शन। तो यानी हम क्या कर सकते हैं, सर्च ऑप्शन की मदद से हम अपनी किसी भी फाइल्स को हम क्या कर सकते हैं, इसमें सर्च कर सकते हैं, या जो फाइल फोल्डर हमने कंप्यूटर में बना रखी है और हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी अभी नहीं है, या हमें उसका जो लोकेशन है वो ज्ञात नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, उन फाइल्स को, फोल्डर्स को इसके सर्च फाइल ऑप्शन की मदद से हम इसको सर्च कर सकते हैं। अब यहां पे कैसे करेंगे, सेम आपका वही है, इसके सर्च बॉक्स में जाएंगे और यहां पे जो भी आपकी फाइल्स हैं उसके नेम को आप यहां को टाइप करेंगे। सपोज करो, माना हमने यहां पे कोई फाइल सेम वाल बना रखी, सपोज, तो यदि यहां पे सेम वाल नाम से कोई फाइल होगी तो आपको डिस्प्ले कर देगा। यहां पे आप देखेंगे ये फाइल्स आप यहां पे एक बन रखी है, ये जैसे आप यहां पे कृष्णा सेमवाल के नाम से एक आपका यहां पे फोल्डर है, तो इसको हम यहां से ओपन कर सकते। इसमें क्या करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर आपका ये ओपन हो गया आपका। इसलिए हमने क्या किया, यहां पे ये इस फोल्डर को हमने यहां से ओपन कर दिया, किसकी मदद से, सर्च फाइल ऑप्शन की, सर्च बॉक्स की मदद से। तो ये आपका ये सर्चिंग फॉर फाइल्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी हैड लर्न अबाउट मैनेजिंग द विंडोज डेस्कटॉप, टेकिंग केयर ऑफ द कंप्यूटर एंड यूजिंग एन एंटी वायरस। माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ योर फोर्थ चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ good day.